हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी बिल्कुल प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, एग्री क्लासेस 573 के नाम से है, और यहाँ पर आपको यूपी कैटेट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलेंगी। आप जब तक बीएससी 4 साल की डिग्री लेंगे आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त होंगी XYZ। तो आइए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है यूपी कैटेट थर्ड काउंसलिंग। थर्ड काउंसलिंग में आपको बता दें, पहला क्या है क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी ने किया था हमें कि सर एक लड़का है, उसकी रैंक है आपकी 5000, उसकी रैंक 5400 कुछ थी, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो मैंने अबाउट लगभग यहाँ पर लिख दिया है 5000। तो उस स्टूडेंट को CSE यूनिवर्सिटी मिल गई है, और सर मेरी रैंक 700 कुछ है तो मुझे CSE यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि थर्ड काउंसलिंग हो या फर्स्ट काउंसलिंग है या आपका सेकेंड काउंसलिंग हो, उस अभ्यर्थी ने क्या किया था, उसकी रैंक क्या थी। अब आइए हम बता देते हैं आपको पूरा क्लियरली, CSE यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, इसमें पूरे होल यूपी कैटेट में 3 प्रकार की सीटें होती हैं, फ्री सीट और पैड सीट और NRI सीट। क्लियर? फ्री सीट जिनकी रैंक अच्छी होती है उनको फ्री सीट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कुछ भी मिल जाता है। फिर आपका आता है पैड सीट, जिन अभ्यर्थी का रैंक थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा अप होता है तो उनको पैड सीट हुए अभ्यर्थी चूज कर लेते हैं, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। पैड सीट में आपका 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है हर साल, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, हॉर्टिकल्चर में तो एक ही साल देना पड़ता है और फॉरेस्ट्री में कम देना पड़ता है। फिर आपका आता है NRI सीट, ये NRI सीट जो होती है ये किसके लिए होती है, ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए होती है, जबकि आपको भी ये सीट मिल सकती है। कैसे? यदि आपका कोई भी रिलेटिव, चाचा मामा नाना कोई भी XYZ या आपके पिताजी कोई भी हो फॉरेन कंट्री में, उनका पासपोर्ट वीज़ा और इत्यादि सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी आप लगा करके NRI सीट ले सकते हैं। आपकी रैंक चाहे 5000 हो या फिर आपकी 8000 हो, कोई इससे मतलब नहीं है, ये NRI सीट आपको मिल जाएगी। क्योंकि NRI सीट में क्या होता है, NRI सीट में आपको 1 लाख आपका पर ईयर एग्रीकल्चर में, जब तक आप 4 साल पढ़ेंगे 4 साल की डिग्री लेंगे, आपको प्रत्येक साल 1-1 लाख रुपए देने होंगे एक्स्ट्रा, प्लस फीस आपकी 50,000 होगी। और इसकी बात एक और नोटिस बता दें इसमें कि जो NRI अभ्यर्थी होते हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, पैड वालों की स्कॉलरशिप 50,000 तो आ जाती है लेकिन NRI वाले अभ्यर्थियों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। क्लियर? तो वो जो अभ्यर्थी था जिसकी 5400 कुछ रैंक थी, इसने क्या किया था, आपका NRI सीट फिल करके इसमें CSE यूनिवर्सिटी में उसने एग्रीकल्चर की सीट ले लिया था। क्लियर हो गया होगा? अब फिर आपकी एक और बात बता दें यहाँ पर, कैसे भरेंगे कि आपको भी CSE यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। जिस अभ्यर्थी की रैंक, थर्ड काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, 700 से लेकर के आपका 1400 रैंक तक, 1400 रैंक तक चाहे वो जनरल हो या फिर OBC हो या फिर आपका अभ्यर्थी SC हो, ये तीनों कैटेगरी, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में जब सीटें मर्ज होती हैं तो जनरल में चली जाती हैं, तो इन सीटों के दौरान आप, इसके दौरान जिस भी अभ्यर्थी हैं जितने भी इस रैंक के अंदर आते हैं उस अभ्यर्थी को यहाँ पर बता दें कि आप भी पैड सीट एग्रीकल्चर CSE यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। मैं बस एग्रीकल्चर की बात किया हूँ न कि हॉर्टिकल्चर की। क्लियर? हॉर्टिकल्चर की बात यदि करते हैं तो आपका 1400 से आपका 1800 तक, 1800 या आपका 2000 तक चला जाता है,
क्योंकि अभी आपका ICR का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ICR का रिजल्ट आपका 1 वीक में आ जाएगा, 1 वीक में आपका डिक्लेयर हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ICR वाले अभ्यर्थी UP कैटेट को छोड़ करके चले जाएंगे, फिर आपकी रैंक खिसक जाएगी ऊपर, आपको सीट जिनकी रैंक थोड़ी अप है उनको सीट आराम से मिल जाएगी। क्लियर? और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा या फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, आपके रिप्लाई हम अवश्य देंगे। थैंक यू।